और ये शानदार कैच पकड़ा है, शानदार कैच, बड़ा विकेट। सहवाज अहमद भी आ चुके हैं भाई इस ग्राउंड पे। मैं आपको बता दूं, सहवाज अहमद जो अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर हैं, सिकरावा से बिलोंग करते हैं और फिलहाल आईपीएल में आरसीबी से खेले थे, अब हैदराबाद से खेलेंगे। सहवाज अहमद कमेंट्री बॉक्स में सामने बिल्कुल आ चुके हैं भाई। सेमीफाइनल में यहां पर खेल के गए थे इस ग्राउंड पर, हतीन की ओर से खेले थे और उनकी टीम हार गई थी सेमीफाइनल में। और पहली बॉल पैड पर ली नीरज तिवारी ने, अच्छी बॉल नस्सू की पहली बॉल। चले नस्सू एक बार फिर, नस्सू का दूसरा ओवर है। ओ बॉल ऊंची गई है, यहां पर खतरा हो सकता है। और ये शानदार कैच पकड़ा है, शानदार कैच, बड़ा विकेट, बड़ा आघात लगा है नीरज के रूप में। नस्सू ने अपनी टीम को सफलता दिलाई इस ओवर में। पिछले ओवर में काफ़ी थोड़े महंगे साबित हुए थे, मगर विकेट नहीं मिला था, मगर इस ओवर में अपनी बॉलिंग में सुधार किया और अपनी टीम को एक सफलता दिलाई नीरज तिवारी के रूप में। सहवाज अहमद भी आ चुके हैं भाई इस ग्राउंड पे। मैं आपको बता दूं, सहवाज अहमद जो अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर हैं, सिकरावा से बिलोंग करते हैं और फिलहाल आईपीएल में आरसीबी से खेले थे, अब हैदराबाद से खेलेंगे। सहवाज अहमद कमेंट्री बॉक्स में सामने बिल्कुल आ चुके हैं भाई। सेमीफाइनल में यहां पर खेल के गए थे इस ग्राउंड पर, हतीन की ओर से खेले थे और उनकी टीम हार गई थी सेमीफाइनल में। नस्सू एक बार फिर तैयार हैं अपने बॉलिंग बॉल पर। चले 29 रन गिर चुके हैं, अपील वहां पर हल्की सी नस्सू द्वारा और नकारा इम्पान। नस्सू एक बार फिर तैयार हैं अपने बॉलिंग मार पर। चले हल्के हल्के कदमों से इम्पान को पार किया, ओ मारने की कोशिश जरूर, बॉलर को बैट्समैन को परेशान करके रखा है नस्सू ने। और निकाला है, अच्छी फील्डिंग वहां पर, रन की कोई गुंजाइश नहीं, अच्छी बॉल, सम्मान दिया। अच्छा नस्सू को जानते हैं बैट्समैन, इस ओवर में एक विकेट चटका चुके हैं नस्सू, तो इसलिए नस्सू के ओवर को एक अच्छे ढंग से खेला, सम्मान के साथ खेला, कोई रिस्क नहीं उठाया।